बैंकों से लूट के नाम पर कांग्रेस मोदी सरकार को लगातार घेर रही है। राहुल गांधी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जब राहुल गांधी के ट्वीट पर सवाल किया तो ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। यहां एक कहावत के सहारे राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। बीजेपी सांसद का विवादित बयान। कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी अपने मस्त चाल में चल रही है। प्रधानमंत्री जी देश की सेवा कर रहे हैं, सेवा करने पर लगे हैं, जिसको भौंकना हो भौंके। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से विवादों में हैं। सांसद से राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस पर बृजभूषण ने कहा कि राहुल गांधी को बैंक घोटाले पर बोलने का अधिकार ही नहीं बनता है, ये घोटाला उनके समय में ही शुरू हुआ। इतना ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी को भी लपेटते हुए कहा कि अभी तो सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया है तो बैंक घोटाला पकड़ा जा रहा है, अभी उनके बहनोई का घोटाला भी पकड़ा जाएगा, अभी हो सकता है कि उनकी माँ भी आएंगी, वो भी आएंगे फिर चिल्लाएंगे। आगे मुहावरे का प्रयोग करते हुए सांसद ने कहा, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी मस्त चाल चलता रहता है, प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, देश की सेवा करने में लगे हैं, जिसको भौंकना है भौंके। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को बैंक घोटाले पर बोलने का अधिकार ही नहीं बनता है, क्योंकि ये घोटाला उन्हीं के समय शुरू हुआ। और जैसे एक कहावत होती है कि जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी अपने मस्त चाल में चल रही है, प्रधानमंत्री जी देश की सेवा कर रहे हैं, सेवा करने पर लगे हैं, जिसको भौंकना हो भौंके। आपको बता दें कि राहुल गांधी पीएम मोदी को ट्विटर पर लगातार निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा था कि बच्चे एग्जाम कैसे पास कर रहे हैं, इस पर मोदी जी 2 घंटे बोले, लेकिन बैंक घोटाले पर 2 मिनट भी नहीं बोले। राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में पीएम मोदी पर निशाना साधा था और लिखा कि पहले दलित, फिर माल्या, अब नीरव भी हुआ फरार, कहाँ है न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाला देश का चौकीदार। साहेब की खामोशी का राज जानने को जनता है बेकरार, उनकी चुप्पी चीख चीख कर बताए वो किसके हैं वफादार। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।